अर्जेंटीना में आयोजित जूनियर सॉफ्टबॉल विश्व कप प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारतीय टीम के खिलाड़ी सरकार के इस खेल के प्रति उदासीन रवैये से हताश हैं। वे इस खेल को क्रिकेट की तरह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे ले जाने के लिए सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अर्जेंटीना में जूनियर सॉफ्टबॉल वर्ल्ड कप में 10वें स्थान पर रही भारतीय टीम के खिलाड़ी गौरव चौहान सॉफ्टबॉल को देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण खेल मानते हैं। शिमला में पत्रकारों से रूबरू हुए गौरव की माने तो यह खेल क्रिकेट की तरह ही विश्व भर में लोकप्रिय होता जा रहा है, लेकिन वे भारत सरकार के इस खेल के प्रति ध्यान न देने से उदास हैं। गौरव की माने तो सरकार के रवैये से टीम के उत्साह में भी कमी आई है। सरकार से मैं बाकी कोई मांग नहीं, सिर्फ एक मांग करता हूँ कि सॉफ्टबॉल जो गेम है, सिर्फ सरकार, मुझे जहाँ तक लगता है कि सरकार क्रिकेट ही क्रिकेट पे इतना वो ना करे, बाकी गेम्स भी है, थोड़ा इन पे भी ध्यान दे। यहाँ पे जो खिलाड़ी है उनमें सॉफ्टबॉल की बहुत ज़्यादा बहुत प्रतिभा है, पर हम लोगों की सिर्फ एक चीज़ से कमी है कि हम लोगों को सरकार सपोर्ट नहीं करती, बस यही है। बाकी हम लोगों के जो प्लेयर्स है, मतलब काफ़ी जो है, उन्होंने बस खेलना है, पर उन लोगों को सपोर्ट कोई करने वाला नहीं, इस वजह से हम लोगों के जो प्लेयर्स है वो थोड़े से पिछड़ जाते हैं। उधर भारतीय सॉफ्टबॉल टीम के कोच भी मानते हैं कि इस खेल के लिए उचित मैदान ना होने की वजह से टीम को इस बार 10वें स्थान पर रहना पड़ा है। वे मानते हैं कि इस खेल के प्रति समय रहते ध्यान दिया जाए तो कनाडा में होने वाले अगले विश्व कप में टीम बेहतर खेल का प्रदर्शन कर सकती है। हमारा प्रयास जो था टीम को अच्छा बनाना, खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करवाना, हमने भरसक प्रयास किया वहाँ पे। अगर हमें सुविधाएं कुछ सरकार की ओर से ज़्यादा मिलती, और अभी भी मुझे उम्मीद है कि अगर हमें सुविधाएं, दूसरा जो वर्ल्ड कप होना है वो कनाडा में होना है, अगला जो वर्ल्ड कप होगा, अगर हम क्वालिफाई करते हैं, इतना मुझे उम्मीद है कि एशिया में हम क्वालिफाई करेंगे, हमारे खिलाड़ी बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, तो उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा कि अगर सरकार की ओर से सुविधाएं हमें मिलती है तो हम उस टूर्नामेंट में हम भाग लेंगे। जहां अभी तक हम 10वें स्थान पर पहुँचे हैं, हम और नीचे ला करके दूसरे तीसरे स्थान तक आ सकते हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। भारत में सॉफ्टबॉल के प्रति सरकार के उदासीन रवैये से न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि कोच भी हताश हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी और वे इस खेल में देश का नाम रोशन करेंगे। संजीव शर्मा, जी हिमाचल, शिमला। और देश के दूसरे हिस्सों की तरह ही हिमाचल में भी भैया दूज के पर्व को धूमधाम से मनाया गया। भाई बहन के पवित्र रिश्ते के इस पर्व का जोश सभी भाई बहनों में देखने को मिला। इस मौके पर बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनके सुनहरे भविष्य और लंबी आयु की कामना की। मैंने उसको तिलक लगाया, मैं उसके लिए हर रोज प्रे करूंगी, और मैंने उसको गिफ्ट दिया, और मैं उसके लिए हर रोज प्रे करूंगी कि उसको कुछ ना हो। उधर भैया दूज के मौके पर हिमाचल सरकार के महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधाओं का महिलाओं ने स्वागत किया है। हिमाचल सरकार ने रक्षाबंधन, करवा चौथ और भैया दूज पर परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है। सरकार ने जो आज फ्री सेवा की है सारी महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए, और ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का और मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज भैया दूज पे जो ये सरकार ने रखा है कि फ्री सेवाएं दी जा रही है गवर्नमेंट बसेस में, तो बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि गवर्नमेंट हमें इस तरह की फैसिलिटीज़ दे रही है, तो थैंक यू। और दिल तो दिल है और इसकी अहमियत सिर्फ गानों या कविताओं तक सीमित नहीं है। दिल हमारे जिस्म के लिए बेशकीमती है और इस तंदुरुस्त रखना हमारी जिम्मेदारी। हेल्थ टिप्स में आज है दिल को चुस्त दुरुस्त रखने की टिप्स। दिल को सेहतमंद रखने के लिए एक छोटी सी झपकी भी फायदेमंद हो सकती है। जानकारों का कहना है कि दिन के समय कुछ मिनट की नींद लेने से दिल की बीमारी को कुछ हद तक रोका जा सकता है। जो लोग ऐसी झपकी लेते हैं उन्हें दूसरों के मुकाबले दिल का दौरा पड़ने की आशंका 37% कम होती है। इसका सीधा असर तनाव से भी है। तनाव भी हार्ट अटैक की बड़ी वजह देखा गया है, और दिन की झपकी तनाव की मात्रा भी कम करती है।
दिल्ली में सिख गुरुद्वारा प्रबंधन मैनेजमेंट के सियासी झगड़े की वजह से आज गुरुद्वारा रकाबगंज जंग का मैदान बन गया। दो गुटों में जबरदस्त झड़प हुई जिसमें कई लोग घायल हो गए। हिंसक झड़प की ये तस्वीरें उस वक्त की हैं, जब दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बैठक के दौरान दो गुटों में तलवारें खिंच गईं। तीखी बहस से शुरू हुई नोकझोंक खूनी झगड़े में बदल गई। हथियार निकल गए, जमकर लाठी डंडे चले। दोनों गुटों की इस झड़प में कई लोगों को गंभीर चोट आई। कंप्लेंट है कि सन्ना परमजीत सिंह सन्ना प्रेसिडेंट के कहने पे उसके 100 गुंडों ने तलवारों से मेरे पे हमला किया है और ये हालत इन्होंने करी है। इन्होंने ये हालत कारण कि आपको यहाँ अंदर भी घुसने दिया जाएगा। चश्मदीदों के मुताबिक दिसंबर में होने वाले गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के चुनाव के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। इस वक्त कमेटी पर सरना गुट काबिज है। आरोप है कि मीटिंग में अकाली दल बादल गुट के लोग भी घुसने की कोशिश करने लगे। बात इसी से बिगड़ी। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो आज सुबह मीटिंग होने वाली थी उसमें कुछ स्पेशल इनवाइटीज बुलाए हुए थे और जब उनकी एंट्री हो रही थी तो उसके ऊपर दो गुटों में आपस में कहासुनी होने के बाद उनकी झड़प हुई। ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि कुछ फायरिंग हुई तो इन चीजों की कोई बिल्कुल पुष्टि नहीं हो पाई है। किसी प्रकार की कोई फायरिंग नहीं, आपस में थोड़ी बहुत जो झड़प हुई थी उसमें जो इंजर्ड है उनका उपचार कराया जा रहा है। इस झड़प के बाद दोनों गुटों के बीच जबरदस्त तनाव को देखते हुए पूरे परिसर को सील कर दिया गया है और इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई है। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की कोर मीटिंग में हुई झड़प पथराव में बदल गई। मौजूदा प्रधान के मुताबिक यहां गोलीबारी भी हुई लेकिन पुलिस ने अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की है। लेकिन शर्म की बात यह भी है कि गुरु का द्वारा सियासत से शर्मसार हो रहा है। कैमरामैन राजू के साथ विकास नापा, जी पंजाबी, दिल्ली।